खबर कानपुर से है, जहां पूरे देश में होली का त्यौहार भले ही बीत गया हो, लेकिन कानपुर में तो रंगों की खुमारी अभी भी लोगों के सिर चढ़ी हुई है। यहां होली के बाद भी रंग खेला जा रहा है। क्रांतिकारियों के शहर में एक सप्ताह तक होली मनाने की परंपरा स्वाधीनता संग्राम एक घटना से जुड़ी हुई है। दरअसल कानपुर में होली मेला अंग्रेजी हुकूमत की हार का प्रतीक है। तब अपनी इस जीत का जश्न मनाने और अंग्रेजी हुकूमतों को ठेंगा दिखाने के लिए पूरे शहर में होली मेला आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि इस बार के होली मेले में बाबा का बुलडोजर शामिल किया गया है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले तो ये एक ऐतिहासिक रूप से मनाया जाने वाला पर्व था, खास तौर पे हटिया होली जो है उसको आज शहीद दिवस भी है और क्रांतिकारियों की जो इस पृष्ठभूमि पर बनाने वाला पर्व है। आज गंगा मेला के लिए भी हम लोगों ने पूरी तैयारियां की हुई हैं। सबसे पहले तो मैं इस पूरे पर्व की समस्त कानपुर के जनपद वासियों को बहुत सारी बधाइयां देना चाहूँगी। बड़े ही सौहार्द के साथ में मनाए जाने वाला पर्व है और इसकी जो मूल एसेंस है वो इसी में लाई करती है कि सभी लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं। देखिए, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, बलिदान दिवस भी है और कानपुर का हटिया होली गंगा मेला भी है। सन 1942 में देश आज़ाद नहीं हुआ था, देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन हटिया वालों ने सन 1942 में आज़ादी का जश्न मनाया था। उसी की यादगार में प्रतिवर्ष हम लोग गंगा मेले का आयोजन करते हैं, लेकिन इस वर्ष शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का बलिदान दिवस भी है। पहले हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, उसके बाद इस इलाके में पुष्पांजलि करके हम लोग एक जुलूस के रूप में चलेंगे। जो आपका जुलूस निकलेगा इसमें खास क्या है? इस बार हमने योगी बाबा की तर्ज में एक बुलडोजर रखा है, जो जिसमें हमने लिखा है बुलडोजर बाबा की केसरिया होली जय श्री राम। और बुलडोजर इसलिए लेके चल रहे हैं, हमारे योगी बाबा का ये एक समझिए उनका एक संदेश है कि जिन्होंने जो कानून को नहीं मानेगा, जो कानून की से भटकेगा, जो अवैध निर्माण करेगा या गलत ढंग से कोई कार्य करेगा, उनको हम बुलडोजर से गिराकर उनका पूरा सर्वनाश कर देंगे। खबर देवरिया से है, जहां थाना रुद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डाला निवासी दिनेश प्रसाद पुत्र रामेश्वर प्रसाद, जो रुद्रपुर में मोटरसाइकिल मैकेनिक का कार्य करता था, जिसके घर जाते वक्त गांव से 2 किलोमीटर पूर्व अज्ञात अभियुक्तों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में मृतक के पुत्र विशाल गौतम निवासी डाला थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया की तहरीर के आधार पर थाना रुद्रपुर में धारा 302 भांडस का अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की निशानदेही पर नारायणपुर पुल के पास झाड़ियों में से घटना में प्रयुक्त 1 अदद पिस्टल और 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस टीम द्वारा बरामद घटना में प्रयुक्त पिस्टल को कब्जे में लेते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियम अनुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। 21 मार्च की रात में मृतक दिनेश प्रसाद, जो एक ऑटो रिपेयर की दुकान पे काम करता था, जा रहा था, उसी के साथ काम करने वाले एक उसके प्रतिद्वंदी रामराज ने अपने एक दूसरे मित्र हिमालय की मदद से उसको गोली मार दिया। घटनाक्रम की छानबीन करने पर यह पता चला कि ये पहले किसी दूसरी दुकान पे काम करते थे, जहां से रामराज नामक ये जो अभियुक्त है इसको निकाल दिया गया था और उसके मालिक ने इसके साथ मारपीट किया था। उसे यह अंदेशा था कि ये जो मारपीट की घटना हुई है या जो उसे निकाला गया है, वो दिनेश प्रसाद मृतक ने ही उसे वहाँ से निकलवाया है और वो लगातार उसको तब से उसके पीछे पड़ा हुआ था। घटना वाले दिन उसने पहले उसको टेलीफोन करके उसके लड़के को एक दूसरी जगह बुलाया कि यहाँ एक मोटरसाइकिल ठीक करनी है। जब उसका लड़का तैयार नहीं हुआ तो फिर वो उसने इसको टेलीफोन किया मृतक को कि आप आ जाइए, और मृतक शाम को जब दुकान से जा रहा था तो रास्ते में ही मिले और उन्होंने उसके साथ कि तुमने हमें दुकान से निकलवा दिया था, ये आपस में बातचीत करते हुए लड़ने लगे और इसी बीच हिमालय ने उसकी कनपटी पे अपनी रिवाल्वर से गोली मार दिया। ये जो रिवाल्वर है वो हिमालय के पास थी, जो इसने
किसी स्थान से चौरी चौरा में किसी एक व्यक्ति से खरीदा है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं, इस पर भी लगे हुए हैं कि कहां से इसको प्राप्त हुआ और क्या होता है। खबर एटा से है, जहां मथुरा मैनपुरी से बीजेपी के दोनों MLC प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजेता का प्रमाण पत्र दिया है। बता दें कि निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद दोनों प्रत्याशियों ने जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि निर्विरोध चुने जाने के बाद बोले दोनों प्रत्याशी मोदी योगी के निर्देशन में लगातार विकास कार्य होंगे। खबर बलिया से है, जहां दुबहर थाना क्षेत्र के नगवा गांव में ध्वस्तीकरण किया गया है। कोर्ट के आदेशों पर गांव में कई घरों पर बुलडोजर चला है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ प्रशासनिक अफसरों ने ध्वस्तीकरण कर कार्रवाई की है। मामला अदालत के विचाराधीन बताया जा रहा है। इस मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि विवादित जमीन को लेकर जिला न्यायाधीश की अदालत में केस चल रहा है, लेकिन सिविल कोर्ट के आदेशों के तहत प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी है। ऐसे में लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से कई परिवार बेघर हो गए हैं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पीड़ित पक्ष मायूस और हैरान परेशान नजर आ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? सितेश्वर नाम। अच्छा, ये बताइए। नाम स्वर्गीय गौरी शंकर। अच्छा। राम बैना छपरा मौजा अखार। जी, ये बताइए थाना कौन सा? दुमहा। अच्छा, अभी यहाँ पे काफी सुने थे पुलिस आई थी, आप लोग यहाँ काफी पीछे लोग खड़े हैं, उधर सामान बिखरा हुआ है, क्या मामला है? हाँ। क्या मामला है? मामला मुकदमाबाजी है, जिससे कि अभी मुकदमा चल भी रहा है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, दो, एक अनुरुद्ध बालदेव, एक चितेश्वर बालदेव। हाँ, ये सिविल कोर्ट के आदेश से जरा गलत हुआ कि सर हम फॉर्मूला ढह गया, यहाँ रह रहे हैं हम 26/12/62 से रह रहे हैं। सन 1962। कितने साल हो गए आपके यहाँ रहते हुए? अब 26/12/62 से रहते लमसम जो है 60 साल हो गए। अच्छा, अभी यहाँ पे पुलिस आई, बुलडोजर आया था, क्या हो रहा था यहाँ पे? यहाँ तोड़ खसोट हो रहा था। कल नल उखाड़ के सरकारी शौचालय भी था, वो भी भसा दिया गया। सरकारी आवास, वो भी भसा दिया गया। अच्छा, कितने परिवार आप लोग बेघर हुए? बेघर हुए हैं कम से कम 60 आदमी। अच्छा, अब मान लीजिए ये हटा दिया गया है, क्या बताया प्रशासन ने, क्या बताया है कि हम क्यों हटा रहे हैं? प्रशासन ने यही बताया है कि कोर्ट का आदेश है, इसलिए हम हटा रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा भाई छोड़ो, दो चार दिन मौका दो मुझे, कोर्ट का आदेश के बाद मंत्री ने जवाब दिया ही नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। पहले से आप लोग नहीं जानते थे? जानते थे कहा कि 23 को तारीख है, ये दखल दहानी का नहीं जानते थे। अच्छा, दखल दहानी की नोटिस हमारे पास आई नहीं, सरकार भी जिसको हटाना भसाना होता है सरकार नोटिस देती है। तो क्या किसी बड़े अधिकारी से? किससे ये चल रहा था कोर्ट मामला, किसके नाम से? चितेश्वर के नाम से, अनुरुद्ध के नाम से। अच्छा, चितेश्वर जी वो उनका कहना है कि ये हमारी जमीन थी, हमने इनको बसने के लिए दिया था। बसने की बात नहीं है, ये 26/12/62 को पेड़ का एग्रीमेंट हुआ कि बाग लगाओ, ये बाल था हमारे पिताजी से, और जो है तो बाघ गाछी चर रही थी जानवर, तो कहा उसके बाप रामेक बाल चौबे कि तुम जो है यहाँ अपने परिवार को ले आओ, और ले आकर के जो है रहो, कहीं तुम रहोगे तो बच्चे जो है बगीचा देखेंगे नू, नुकसान नहीं होगा। अभी मान लीजिए अभी आप लोग को हटा दिया गया, तो कहाँ रहेंगे आप लोग अभी? अब कहाँ कहें, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई सरकार के या प्रशासन के द्वारा कोई मदद आप लोगों को मिली है कि नहीं? नहीं, पहले भी सूचना कोई ऐसा कुछ आप लोगों को कोर्ट या किसी से मिला था क्या? नहीं। कहीं रहने के लिए जगह होगा कोई? नहीं, कहीं जगह नहीं। अब क्या करेंगे आप लोग? देखेंगे जहाँ व्यवस्था बनेगा वहाँ जाएंगे। बनेगा तो बनाएंगे, नहीं तो रोड पर टेंट सनियाना डालेंगे। ठीक, कोई एक महिला को बोलिए करो यार, हमने से पहले तो फेसबुक पर मत डाल दिया, तो हमने खबर ही ना चली, मदद तो ना हो।
खबर यूपी के जालौन से है, जहां जिले के कोच सर्किल के बसोब इलाकों से मामला सामने आया है, जहां इलाके के रहने वाले 20 वर्षीय युवक सुनील डीजे की धुन पर नाचने के बाद रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। परिजनों के अनुसार सुनील को गायब हुए मात्र 4 दिन ही बीते हैं। मामले में परिजनों ने पुलिस को तहरीर भी दी थी, लेकिन पीड़ित परिजनों का कहना है कि अब तक पुलिस सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी है। परिजनों का कहना है कि कहीं उनके बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने पुलिस से जल्द मामले की जांच करने की बात कही है। क्या नाम है भाई आपका? पवन सिंह। कौन सा गांव है ये? बसोब। क्या बात है, क्या हो गया है? मेरा भाई गायब हो गया है। कब से? यहाँ 20 तारीख से, यहाँ पे रोज के दिन लोग 12 बजे से गाना बज रहे थे डीजे पे। वहाँ पे दोस्त लोग थे उनके, बाहर रहते थे, और जिन लोगों ने पेप्सी लिया दुकान से, 3-4 लोग गए इनके साथ में। वहाँ से 2 लोग साथ में आए, 2 लोग लेंगे, 2 लोग गायब कर लो। कौन 2 लोग हैं, क्या है? छोटू है, रविंद्र है। हाँ, ये लोगों ने गायब किया है। गांव के ही निवासी? हाँ, गांव के। आपने कहीं शिकायत की है? हाँ, पंच में शिकायत की है। उसमें नाम वाम दिए हैं आपने? नाम दर्ज है। अच्छा, तो अभी तक कुछ पता लगा? अभी तक कुछ पता नहीं लगा। कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई हो रही है। हो रही है। क्या नाम है आपका? सुषमा। ये कौन सा गाँव है? बसो। क्या हो गया है? लड़का हमारा चलो बाहर। कै दिन से गायब है? होगा ये इतवार की रात, उस सोमवार को दिन। आपने कहीं प्रार्थना पत्र दिया है? नहीं। एप्लीकेशन दाओ तो पहले। कहाँ? पहुँच। क्या नाम है लड़की का? सुनील। उम्र कितनी है? भैया भी 19-20। क्यों बता के नहीं गए क्या आप? आप लोगों को बता के नहीं गए कहाँ जा रहे हैं? हम इतनी सी बात है, हम बाहर खड़े नहीं है, और इन को मतलब जीवन लुभा गए हैं। दूसरा में सो दूसरा से मोड़ा इनसे जा छिड़िया से पेप्सी लेन गए, हो गए पंकज गए और रविंद्र गए और हमारा मोड़ा पाछे से गए हैं। तो हिना से पंकज व पेप्सी हिना देन आए और लौट के पेप्सी दे के होना गए और हिना से लौट के नहीं आए हिना न मोड़ा। राम किलोनी जी, आपका कौन है ये? नतीजा। अच्छा, क्या हो गया है? इसको कुछ नहीं हुआ था, ये डीजे में नाच रहा था और डीजे से गायब हो गया। कितनी तारीख की घटना है? 20 तारीख। क्या आपने शिकायतें की हैं कहीं? नहीं, हमने उन्हें की एप्लीकेशन पहुंच दिया। अरे हाँ, वही तो शिकायत होती है भाई। हाँ, शिकायत की हाँ, है आपने कोच कोतवाली में। हाँ, क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला अभी। साहब, अभी कुछ पता लगा बच्चे का? नहीं, हमें कोई पता जानकारी नहीं मिल रही। किसी पर शक है आपको? नहीं। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम TV News 24।